मिशन शिक्षण संवाद दैनिक नैतिक प्रभात दिनांक 25 जुलाई वर्ष 2024 दिन बृहस्पतिवार। बाल कहानी छाता। तो आइए सुनते हैं आज की बाल कहानी छाता। चिंटू और मिंटू बाजार से सब्जी खरीद रहे थे, अचानक बारिश होने लगी। चिंटू मौसम को देखते हुए घर से छाता लेकर आया था। उसने जल्दी से साइकिल में सब्जी टांगी और छाता खोलकर लगा लिया। एक किनारे वे दोनों खड़े हो गए, पानी रुकने का इंतजार करने लगे। तभी मिंटू बोला, भाई बहुत देर से बारिश हो रही है, रुकने का नाम ही नहीं ले रही। आप ऐसा करो, घर चलो, माँ हमारा इंतजार कर रही होगी। माँ को खाना भी बनाना है, सब्जी लेकर जल्दी चलो। चिंटू ने कहा, हम दोनों भीग जाएंगे। मिंटू बोला, भाई आप साइकिल चलाओ, मैं पीछे बैठकर छाता लगा लूँगा, इससे हम दोनों नहीं भीगेंगे। दोनों घर की तरफ चले। चिंटू साइकिल चला रहा था, मिंटू छाता पकड़े था। अचानक तेज हवा चली, मिंटू से छाता छूटकर दूर जा गिरा। सामने से ट्रक आ रहा था, छाता ट्रक के पहिए के नीचे आकर चकनाचूर हो गया। अरे ये क्या हो गया भाई, नया छाता टूट गया, माँ बहुत गुस्सा होगी, सब तेरी वजह से हुआ है, मैं तो अब घर नहीं जाऊँगा। देखो अब बारिश भी रुक गई, अच्छा खासा एक किनारे पर हम लोग खड़े थे, पर मिंटू तूने ही जल्दी जल्दी कहकर नुकसान करा दिया, अब क्या जवाब देंगे माँ को, तू ही घर जा, मैं यहीं रहूँगा, मैं भी नहीं जाऊँगा, माँ डांटेगी। इधर चिंटू मिंटू की माँ बच्चों के घर न आने से परेशान हो उठी। इतनी देर हो गई, सुबह से शाम हो गई, ये दोनों बच्चे अभी नहीं आए। चिंटू मिंटू के पिताजी, आप जाकर पता लगाएं ये दोनों कहाँ हैं। अच्छा मैं बाहर जाकर देखता हूँ, तुम इतना परेशान ना हो, बच्चे हैं, कहीं खेल कूद रहे होंगे। बाजार पहुंचकर इधर उधर ढूंढने और लोगों से जानकारी लेने पर पता चला कि चिंटू मिंटू एक दुकान के पीछे बैठे हुए हैं। चिंटू मिंटू ने अचानक पिताजी को देखा और पास आकर सारी बात बता दी। पिताजी ने बच्चों को समझाया कि ये बात तुम दोनों समय से घर पहुंचकर भी बता सकते थे। तुम दोनों यहाँ हो, माँ तुम्हारी बहुत परेशान है, तुम दोनों घर नहीं पहुँचे, इसलिए। चिंटू मिंटू ने माफ़ी मांगी और पिताजी के साथ घर की ओर चल दिए। घर पहुँचते ही माँ ने गले लगा लिया, पूरी बात सुनकर समझाया कि अगर कभी कोई बात या अनहोनी हो जाए तो सबसे पहले घर आना चाहिए। चिंटू मिंटू ने माँ से भी माफ़ी मांगी और भविष्य में ऐसी हरकत न करने का वादा किया। संस्कार संदेश, हमें बिना झिझक हर बात अपने माता पिता से साझा करना चाहिए। आज की बाल कहानी की लेखिका हैं श्यामा परवीन, बहराइच, उत्तर प्रदेश। कहानी वाचक नीलम भदौरिया। कंपोजिट विद्यालय पहरवापुर, विकास खंड मलवा, जनपद फतेहपुर, उत्तर प्रदेश। संकलन टीम मिशन शिक्षण संवाद नैतिक प्रभात। तो बच्चों, आज की बाल कहानी से आपने क्या सीखा, और हाँ आज की बाल कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स पर ज़रूर लिखिएगा। और आज की बाल कहानी में जो चिंटू मिंटू ने गलती की, क्या कभी आपने भी इस तरह की गलती की है, हमें ज़रूर बताइएगा। कल फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।